अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टेबल्स लिंक्स एंड फ्रेम्स इन एचटीएमएल 5। तो आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। आज के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम्स एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ आई फ्रेम टैग। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो आपके पास यूज़ ऑफ आई फ्रेम टैग के बारे में होगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम देख लेते हैं क्या है, कि हम फ्रेम को किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपके पास टॉपिक है क्रिएटिंग फ्रेम। फ्रेम्स अलाउ अस टू ओपन मोर देन वन पेज साइमल्टेनियसली इन अ ब्राउजर विंडो। फ्रेम डिवाइडेड द स्क्रीन इनटू अ रेक्टेंगुलर एरियाज विच कंटेन्स एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब वेब पेज पे आप कोई भी चीज़ शो कर रहे होते हैं, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ शो हो रही होती है, तो उसमें डिफरेंट पेजेस शो हो रहते हैं। तो वो पेजेस जो वेब ब्राउज़र में होते हैं वो डिफरेंट स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम एक वेब पेज के अंदर, यानी कि एक ब्राउज़र के अंदर हम बहुत सारे वेब पेज देख सकते हैं। तो उसमें टाइप्स ऑफ फ्रेम देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल कौन सी है। तो सबसे पहले आपके पास ये एग्जाम्पल नज़र आ रही है, इसमें आपके पास देखें तो एक वेब ब्राउज़र पर आप देखें तो 4 फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, और इसकी दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसमें भी देखें आप एक वेब ब्राउज़र पर आपको 4 फ्रेम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देखें आपके पास जो पहला है, अगर मैं इस फ्रेम की बात करूँ तो इस फ्रेम के अंदर आपके पास 4 फ्रेम है, जिसमें आपके पास इस टाइप को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देखें तो यहाँ हॉरिजॉन्टली फ्रेम बने हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये आपके पास वर्टिकल यानी कि कॉलम वाले होते हैं, तो इसका मतलब आपके पास कॉलम वाले फ्रेम बने हुए हैं, तो इसको कॉलम फ्रेम बोलते हैं और लेफ्ट वाले को हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम बोलते हैं। तो ये इस तरह आपके पास फ्रेम की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।